रहमानिरहीम। स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एलाइड स्कूल सुपीरियर बैरिया कैंपस एंड दिस वीडियो इज अबाउट क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन वीक 4 के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ आज हम मूव कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ अलजबरिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन जो है वो हमने डिस्कस की है। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 को। इसमें स्टूडेंट्स हमने रिमाइंडर थ्योरम फाइंड आउट करना होता है, रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है। तो जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन मौजूद हो और उसे हम किसी दूसरी अलजबरिक एक्सप्रेशन के ऊपर डिवाइड करना चाहें, तो उसका एक तो सिंपल सा वे होता है कि हम उसको डिवीजन के जरिए जो है वो लॉन्च कर दें और सॉल्व करके देख लें कि क्या वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। सेकंड वे जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो होगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सो वो मैं सिंपल सी दो तीन उसमें ट्रिक्स हैं वो आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि ये वाली एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। 3x³ - 10x² + 13x - 6 ÷ x - 2, ये एक्सप्रेशन है जी, उसे डिवाइड हमने करना है x - 2 के ऊपर। तो एक और मैं स्लाइड आपके सामने लेके आता हूँ। अगर हम x - 2 पर डिवाइड कर रहे हैं अपने किसी भी नंबर को, तो इसका मतलब ये है कि x - 2 = 0। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, x = 2। क्यों? माइनस का 2 जैसे ही आप यहाँ शिफ्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब बैक स्लाइड पर आते हैं, यहाँ देखें x - 2 था, x की वैल्यू ऑब्वियसली 2 आएगी। तो अब हमने करना ये है कि पूरी जो हमारी अलजबरिक एक्सप्रेशन होगी जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ हम 2 लगा देंगे। लेट्स ये देखें, हमारे पास पॉलिनोमियल था x का, वहाँ हमने 2 मेंशन किया, ये रिमाइंडर हम देखेंगे कि किसके इक्वल आता। 3x³ = 2 का क्यूब 3x² = 10 × 2² 13x = 13 × 2 - 6। अब इसको आप सॉल्व करें नॉर्मल वे से जिस तरह आप करते हैं, 2³ = 8 2² = 4 और फिर 13² = 26 - 6। उसके बाद जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा रिमाइंडर हमारे सामने होगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक आसान सा वे है रिमाइंडर थ्योरम के जरिए रिमाइंडर फाइंड आउट करने का। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता दूं। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि x - 2 वाला जब हमने सॉल्व किया फैक्टर, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है। x + 2 का अगर फैक्टर होगा तो ये वैल्यू आएगी। अगर ये मेरे पास हो 2x + 1, तो डेफिनेटली पहले 1 शिफ्ट करेंगे माइनस का, फिर ये 2 पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू माइनस में हो तो फिर x की वैल्यू जो है वो 1/2 आती है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 4x³ - 4x + 3 ÷ 2x - 1। ये देखें 2x - 1 आ गया। तो 2x - 1 की जो वैल्यू हमने ली हुई है वो क्या आ रही है, 1/2। तो हम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन के अंदर 1/2 पुट कर देते हैं। ये देखें 4x³, x की जगह 1/2, 4x, x की जगह 1/2, फिर देन 3 है। अब इसको सॉल्व करें आप, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। सॉल्यूशन आपका बिल्कुल वैसे ही है, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सिंपल से इसके ऑपरेशन हैं जो आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, खुद बाई हैंड सॉल्व करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये सारे एक ही मैथडोलॉजी के ऊपर इनको जो है वो बनाया गया। और अब हम मूव कर रहे हैं जनाब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x + 2 इज़ अ फैक्टर, वर्ड पे आपने एम्फसिस रखना है फैक्टर। इसका मतलब ये है कि x + 2 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है किस एक्सप्रेशन को, इसको 3x² - 4kx - 4k² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस ऑफ के, या वैल्यू है या वैल्यूज हैं। तो अगर ये मुकम्मल डिवाइड कर रहा तो इट मींस दैट के रिमाइंडर तो हमारे पास ऑब्वियसली 0 आना चाहिए क्योंकि ये कम्प्लीट डिवाइड हो गए। तो x + 2 से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, वो आएगी -2। वो -2 हम पुट करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, 3x² - 4kx - 4k² = 0। 12 + ये 8 कैसे बना? अब देखें 2 का स्केयर लेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है, पॉजिटिव का, उसको मल्टीप्लाई कर लें अगर मैं हम 3 के साथ तो 12। यहाँ देखें 2 × 4 = 8, माइनस माइनस प्लस, के वैसे का वैसे ही आपके पास मौजूद, 4k² यहाँ पर आ जाता। अब मैं इस एक्सप्रेशन को मजीद अगर शॉर्ट करना चाहूँ तो 4 पे डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, ये आएगा। ये करने के बाद हमने 5.2 जो सीखी थी कि हमने फैक्टराइजेशन जब करी तो उसमें हमने जो सेकंड वैल्यू थी उसको हमने ब्रेक किया था और सम और प्रोडक्ट का रूल अप्लाई किया, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखें 3 × 1 = 3
और अगर मैं इसको माइनस या प्लस करूं तो आंसर कितना आ रहा है, 2। तो अब मेरे पास ये वाली दो एक्सप्रेशन साइड पे हो गई, ये वाले दो वेरिएबल साइड पे हो गए। यहाँ से हम कॉमन गेन करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। अब देखें आपके पास रिमाइंडर सेम है, लिख लें जनाब, और 3 माइनस k एक साइड पे ले लें। अब ये बोथ ऑफ द टर्म्स विल बी इक्वल टू 0, दैट इज़ वाई 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 और 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू -1, पॉजिटिव का 1 यहाँ शिफ्ट करें, एंड k इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव का 3 यहाँ शिफ्ट किया जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेम मेथडोलॉजी के ऊपर आपका पार्ट 2 जो है इस क्वेश्चन 2 का, वो भी सॉल्व आपने करना है। सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर मूव करें तो विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन और नॉट। तो हमने करना यह है कि दो फैक्टर्स हैं जी अब हमारे पास। पहले एक्स माइनस 2 से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स की कितनी, इक्वल टू 0 रखें तो बैक स्लाइड जो मैंने आपको शो करवाई थी एक्स की वैल्यू उसमें आनी चाहिए 2, पॉजिटिव की। वो 2 हमने एक्सप्रेशन में रखा, सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, 0। तो एज द रिमाइंडर इज 0 सो एक्स माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये वाला जो है मेरे पास, ठीक है। इसी तरह एक्स माइनस 3 से हम सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 3 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 3। जब पॉजिटिव का 3 आएगा तो इस पॉजिटिव 3 को हम मूव करके देखते हैं, यहाँ पे हमने इसको रखा इस एक्सप्रेशन के अंदर, सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो दैट इज़ वाई द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो एक्स माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिमिलर पार्ट है आपका पार्ट 2 इसी क्वेश्चन का। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द एम इज द पॉलिनोमियल ऑफ 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। सोल्यूशन देखते हैं हम इसका, 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3m है। एक्स प्लस 2 चूंकि फैक्टर लिया गया है तो वैल्यू जो आएगी एक्स की वो आएगी माइनस 2। माइनस 2 पुट करते हैं पूरी एक्सप्रेशन में, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर, ये बनेगी इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन इस तरह से। अब हमने एम वाली वैल्यूज जो हैं वन, उसको कोशिश करना है कि एक साइड पर रखें, बाकी 1 बाय 1 हम इक्वल के सेकेंड साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र से हम देखते हैं एम इज इक्वल टू 24, ठीक है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आएगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एम थी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ के है, सेम क्वेश्चन है आपका। डिफरेंस इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ क्या है, कि आपके पास पहले पॉलिनोमियल है ये वाला और एक पॉलिनोमियल है ये वाला। लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, कहता है दोनों पॉलिनोमियल्स को अगर हम डिवाइड करें एक्स माइनस 3 पे तो सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो के की वैल्यू निकालें। पहली एक्सप्रेशन में आपने इसको पुट करना है, फिर दूसरी एक्सप्रेशन में पुट करना है। ये देखें पहली इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन बन गई है मेरे पास, तो के एक्स की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 3, 4x एक्स की वैल्यू, 3x एक्स की वैल्यू -4। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आता है 27k प्लस 41। नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हेन क्यू एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, ये देखें ना, ये नेक्स्ट वेरिएबल एक्सप्रेशन है हमारे पास, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। इसको अगर मैं एक्स माइनस 3 से सॉल्व करूँ तो अब मेरे पास वैल्यू आ रही 15 प्लस k। एज गिवन दैट व्हेन पी एक्स एंड क्यू एक्स आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 द रिमाइंडर इज इक्वल, सो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर इक्वल है, तो हम इक्वल रख लेते हैं ये दोनों रिमाइंडर्स को। k की वैल्यूज एक साइड पर शिफ्ट करें, बाकी एक साइड पर शिफ्ट करें, और k की वैल्यू का आंसर जो है आपके सामने है इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6, 7 और 8 भी बिल्कुल सेम टेक्निक पर सॉल्व किए गए, जस्ट लाइक ये वाले क्वेश्चन हमारे सामने, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट क्वेश्चन होता है आपका जी, एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद है और इसे एग्जैक्टली ये हम डिविजिबल है इस एक्सप्रेशन के ऊपर, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट इस जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है, इसको सबसे पहले फैक्टर्स में लेकर आना, क्योंकि फैक्टर होंगे तभी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इस में पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6, ये वाली। अब हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ से हम इसको सम और प्रोडक्ट का रूल लगा रहे हैं। देखें 3 और 2 मैंने लिया है दो नंबर्स, बिकॉज -2 -3 गिव्स अस -5 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 गिव्स अस प्लस 6। सो दैट इज़ वाई वी गॉट -2 एंड -3, सम और प्रोडक्ट का रूल है। 5.2 में आपको मैं सिखा चुका हूँ, एक्स कॉमन गेन करें, यहाँ से 3 निकलेगा कॉमन, एक्स माइनस 2, यहाँ से एक्स माइनस 2, तो एक फैक्टर तो हो गया एक्स माइनस 2 और दूसरा हो गया एक्स माइनस 3।
सबसे पहले टू एक वाला फैक्टर लेते हैं जी, वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव टू। वो पॉजिटिव टू जो है हमने एक्स की जगह पे यहाँ जितने भी एक्स मौजूद हैं वहाँ पुट कर देना, ए एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस थ्री ए। अब इसको सॉल्व करें तो ए और बी की दो वैल्यूज आएंगी, ये वाली और बाकी एक 36 आएगा, उसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। एज गिवन दैट द पी एस एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस थ्री ऑल्सो, सो दैट इज़ वाई अब हम एक्स माइनस थ्री से सॉल्व करते हैं सेम वे के ऊपर। अब मेरे पास जो टर्म आई है वो है 30a प्लस 3b इक्वल टू 81। 3 पे मजीद अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, यानी जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ सकती है उसको लेके आते हैं। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को इक्वलाइज करना है, ये इक्वेशन 2 है ये इक्वेशन 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देते हैं लाइक दैट। ठीक है, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2 माइनस 2 क्रॉस 20 माइनस 11 9 ए 54 माइनस 36 9 को शिफ्ट करें आंसर आएगा 2। ये 2 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इस वाली 2 में या इस वाली 1, तो आप इजीली जो है वो अपनी बी की वैल्यू भी गेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3 तक का जितना भी वर्क होगा वो स्टूडेंट्स आप अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर जो है उसको एज इट इज़ नोट भी करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 जो है ये सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पर एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है इसका भी मेथड वही है सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने 5.3 की है, उसमें भी हम रिमाइंडर थ्योरम्स के ज़रिए ये जज करते थे कि रिमाइंडर्स क्या हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम्स, तो इसमें हमने ये करना है कि हमने फैक्टर थ्योरम लगाना। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में ये डिफरेंस है कि रिमाइंडर थ्योरम्स के ज़रिए हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं और फैक्टर थ्योरम के ज़रिए हम ये देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके। जस्ट लाइक अगर मेरे पास ये पहला पॉलिनोमियल है एक्स क्यू माइनस टू एक्स क्यू स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू, यानी इस पूरे के पूरे हम पॉलिनोमियल को पी एक्स के इक्वल लेट करते हैं और एक्सपेक्टेड करते हैं जीरोज ऑफ द पी एक्स आर प्लस 1 प्लस 2, तो देन प्लस 1 सबसे पहले पुट करेंगे, जीरो तो आप लगा नहीं सकते। प्लस 1 से हम पूरे की पूरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपने 1 जो है पुट करके आंसर देखना क्या आता है, रिमाइंडर आ रहा 0। सो एक्स माइनस 1 अगर रखा जाए यानी एक्स की वैल्यू 1 ली जाए तो वो फैक्टर जो है मुकम्मल हो जाता है, यानी ये पूरी की पूरी जो पॉलिनोमियल है ये डिविजिबल हो जाती है। एंड देन प्लस 2 को हम सॉल्व करते हैं, वो भी देख रहे हैं आप आंसर 0 दे रहा। सो एक्स माइनस 2 इज द थर्ड फैक्टर ऑफ पी एक्स, फर्स्ट 1 तो 0 है आपके पास, सेकेंड 1 है और उसके बाद आप देख रहे हैं आपके पास ये 2 मौजूद है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं प्लस 1 प्लस 2 आप प्लस 3 भी ले सकते हैं, माइनस 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 5 और प्लस 5, ये रिमाइंडर्स जो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपने खुद से लेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपने देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हमें रिमाइंडर 0 देते हैं यानी मुकम्मल डिवाइड कर देते हैं पॉलिनोमियल को, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर पाते हैं। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो भी यही है, लेट क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, सिर्फ डिफरेंस ये है अब कि अब इसमें उसने जो पॉलिनोमियल है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, वे इसका वही है बिल्कुल सेम एज इट इज़, आपने 1 बाय 1 डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो अप्लाई करते जाना है और प्रैक्टिस के तौर पर इसको सॉल्व करना है ताकि आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 है वो आपके ब्रेन में अच्छे से फिट हो जाए और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का डिफरेंस जो है वो आपको मालूम पड़ जाए। इसके अलावा आपने स्टूडेंट्स करना ये है नेक्स्ट के रिव्यू एक्सरसाइज को आपने खुद से सॉल्व करना है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, आपको मैं पहले भी मुख्तलिफ यूनिट्स में करवा चुका हूँ और आपने देखा होगा कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं रिव्यू की वो निचोड़ होती हैं जो पूरे यूनिट की एक्सरसाइजेस को हमने किया होता है, तो आई होप कि वो आसानी से आप जो है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट नंबर 5 को आज हम क्लोज कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट लेंगे उसका और फिर हम मज़ीद इसी तरह से कैरी ऑन करते जाएंगे। उम्मीद होगी कि आपको आपके लेक्चर्स और आपके काम जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शुक्रिया।